नमस्कार, राजस्थान लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने आज किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राजभवन का घेराव भी किया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। कृषि कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राजभवन का घेराव किया गया। इसी विषय पर खास बातचीत करते हैं हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब। कटारिया जी, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है, कमेटी का गठन कर दिया गया है कानून को लेकर, लेकिन बावजूद इसके राजभवन का घेराव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार कर रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, अशोक गहलोत आज जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी को 54 साल तक दिल्ली में राज करने का मौका मिला। अगर ये 54 साल में इस किसान की समस्या का हल कर देते तो कम से कम आज न तो उनको बोलने का कोई हक होता, न किसी दूसरे को होता। दुर्भाग्य ये कि उनके पापों का प्रायश्चित आज हो रहा है। और जिस कानून को बनाने के लिए मनमोहन सिंह जी के समय में ही स्वामीनाथन आयोग कमेटी का गठन किया, लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस के भाषण नोट कर लो, चाहे सीपीएम का कर लो, चाहे बीजेपी के नेताओं कर लो, सबकी वकालत एक ही थी कि किसान को उसकी मेहनत का दाम नहीं मिलता है, उसको भी अपने दाम को लेने का अधिकार होना चाहिए। उन सारे कानूनों की एक लंबी 20 साल की प्रक्रिया के बाद जो मांग उठ रही थी, चाहे मैंने विधानसभा में भाषण दिया हो, चाहे किसी और ने दिया हो, जिन मांगों को उठाते रहे उस पर आधार पे कानून बना, उन कानूनों को ही इन तीनों बिलों में लाया गया। और उसके कारण से अब उसके खिलाफत करना, पहले तो यह है कि अपने ही किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करना तो कहीं दूर रहा, और जो अच्छा रास्ता निकला उसका, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को फिलहाल रोक दिया है और कमेटी बना करके सबके विचार सुन करके इसमें आगे बढ़ने की बात जब तय कर ली, तो ऐसे समय में ये नाटक करना एक तरह से अपने किए हुए पापों के ऊपर ही एक जनता को दृश्य दिखाना मात्र है। मैं सोचता हूँ ये झेप मिटाऊ आंदोलन राजनीति में न तो उनको शोभा देता है, न किसी पार्टी को शोभा देता है। भगवान के लिए, जिसमें किसान का भला हो, वो सुझाव अगर आपके पास कुछ हो तो वो उस कमेटी को दे, जिसके कारण से उसका स्थायी हल निकल सके। कटारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा आंदोलन करना, कांग्रेस सत्ता में है राजस्थान में, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, बावजूद इसके आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, राजभवन का घेराव कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर होते हैं राज्यपाल, उनका घेराव करना कितना उचित मानती है आप और भारतीय जनता पार्टी? देखो, मुख्यमंत्री को राजभवन का घेराव करना आना, ये लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्य का दिन है। वास्तव में जिस स्थिति में अशोक गहलोत जी ने इस प्रदर्शन की योजना बनाई और आए, वो उनको शोभा नहीं देता है। अच्छा होता कि वो अपने पद से हट करके और राज छोड़ करके फिर इस आंदोलन में कूदते, तब तो ये लगता कि वास्तव में ये नाटक नहीं है, ये सच में मन का दुख है जिसको प्रकट करने आए। मैं उनको फिर चुनौती दे रहा हूँ कि 2.5 करोड़ जनता ने, राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने आपको काज दिखाया है, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो अभी नवी जो नगर पालिकाओं का चुनाव आ रहा है उसमें आप पहले घोषणा कर दो कि अगर उसमें हार जाओ तो त्यागपत्र दोगे, तो जनता आपको उसमें भी काज दिखाए। किसान अधिकार दिवस के रूप में कांग्रेस आज का दिन मना रही है, क्या लगता है आपको, कांग्रेस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किसानों के हित में काम कर रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान किसान कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन आज तक धरातल पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सच में यह है कि किसान को धोखा देकर के ही कांग्रेस ने इतने सालों तक अपनी राज की रोटियां सेकी है, और अब की बार भी जो 50,000 वोट का अंतर हमारे और उनके बीच में रहा, वो भी 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जा माफ इसके आधार पे किया। मैं इनको 50 बार पूछ चुका हूं कि भगवान के लिए किसी एक जिले का पिछली सरकार ने माफ़ किया उसकी गिनती छोड़ दो, जो आपके आने के बाद आपने किसी एक जिले के फिगर मुझे दे दो जिसमें आपने 2 लाख तक के सभी के कर्जे माफ़ कर दिए हों, तो जिले का नाम बताकर लिस्ट जारी कर दो, ताकि मैं भी जान सकूं, राजस्थान की जनता आपकी सच्चाई को जान सके। तो जो धोखा देकर के इस अन्नदाता को गुमराह करके 54 साल तक राज करे और उसकी
पहनने की लंगोटी नहीं हो, तो इसका दोष अगर किसी पे जाता है तो कांग्रेस पार्टी आपके और आपके नेताओं को जाता है। अब केवल यहाँ घड़ियालू आंसू बहाने से जनता तुम्हारे आंसुओं को समझ रही है, और ये जो नाटक हुआ ना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है, और राजभवन का और राज्यपाल का जो घेराव किया जा रहा है वो वाकई में बेहद ही चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।